एवरीवन, सो आज के इस लेक्चर में हम फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की जो स्टेटमेंट है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स डी इज सेट टू हैव अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इफ एवरी फाइनाइट सब फैमिली ऑफ द फैमिली हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। एक्स जी कोई मैट्रिक स्पेस है, उसकी फैमिली ले ली हमने, अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स जी, एक्स जी की फैमिली ले ली और उस फैमिली की हमने सब फैमिली ले ली, उसका इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी की इक्वल आता है तो हम ये बोलते हैं कि जो मैट्रिक स्पेस है उसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। इन अदर वर्ड्स, अगर मान लो जो फैमिली की हम बात कर रहे हैं, सपोज करो हमने कोई क्लास एफ ले लिया और उस एफ में ए आई टाइप के एलिमेंट्स हैं या ए आईज की जो है वो क्लास है, जहाँ पे आई जो है दैट बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ओके, देन ऑफ सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स नहीं, जस्ट हम ये बोलेंगे कि जो ए आईज है उससे एक क्लास बन रही है, ऑफ सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, मतलब कि जैसे यहाँ पे बोला कि एक सेट जो मेट्रिक स्पेस है उसकी फैमिली लेनी है, तो वही सेम चीज कि सेट एक्स है उसकी ये फैमिली है, तो इस सेट एक्स के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कब होगी, जब इस ए आईज की हम कोई सब फैमिली है सब क्लास ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास की बात कर रहे हैं तो हमने सब क्लास ले ली किसकी, ए आईज की, तो हमने इस तरीके से इसको नाम दे दिया AI1, AI2, AI3 टिल AIN, क्योंकि ये फाइनाइट सब फैमिली हम चूज करते हैं, सेट उसकी फैमिली उसकी सब फैमिली का इंटरसेक्शन चाहिए होता है, तो क्लास उसका सब का सब क्लास ले लिया, अब उसके उसका जो इंटरसेक्शन है दैट शुड बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 से लेकर n तक जाएगी और इसका जो सब क्लास का जो इंटरसेक्शन है दैट शुड बी नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये फैमिली या क्लास दोनों बोले एक ही बात है, तो हमें सब क्लास या सब फैमिली का जो इंटरसेक्शन चाहिए होता है और वो नॉन एम्प्टी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गिवन एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हैविंग अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, के कोई कलेक्शन हमें बतानी है जिसके पास ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम x लेट करेंगे, तो x यहाँ पर हमने ले लिया -1 to 1, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, तो अब हमें क्या करना है, क्लास कंसिडर करनी है, क्लास हमने ले ली ए एन टाइप की, जहां पर ये जो n है दैट बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, तो ये f जो है हमारी क्लास है, सो क्लास किस टाइप की होगी, a1, a2, a3, a4, क्योंकि हमने ए एन लिखा था, वेर एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर था, तो ये हो गया, वेर ए एन को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है -1 से लेकर 1 बाय एन। ठीक है, -1 बाय एन टू 1 बाय एन इस तरीके से डिफाइन किया है। अब जब आप एन की वैल्यू को वेरी करवाओगे बार बार तो आपको इस तरीके से मिलेगा, सपोज सबसे पहले मैंने 1 रखा तो -1 टू 1, देन 2 रखेंगे तो -1 बाय 2 टू 1 बाय 2, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, फिर और छोटा इस तरीके से होगा, तो ए एन ए टू जो है वो ए एन के अंदर कंटेन है, A3 A2 के अंदर कंटेन होगा, और इसी तरीके से जब आगे आप और एलिमेंट्स एन की वैल्यू को वेरी कराते हुए बनाओगे तो इस तरीके से ये इसके अंदर कंटेन है, ये इसके अंदर कंटेन है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक क्या लेट कर लिया, कोई फैमिली लेट कर ली, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक सब फैमिली चाहिए, तो यहाँ पर एक सब फैमिली फाइनाइट सब क्लास बोल लो, क्योंकि अभी हमने क्लास बोला है वहां पे, तो फाइनाइट सब क्लास ले लिया AI1 AI2 टिल AIN तक इज एनी फाइनाइट सब क्लास ऑफ एफ। देन अगर अब मुझे इसका इंटरसेक्शन अगर नॉट इक्वल्स टू 5 मिल जाता है तो एफ क्या होगा, that have a finite intersection property, तो इसका जो intersection है that will be not equals to 5, क्योंकि आप जब इसके सब class लोगे और उसका जो intersection देखोगे last में इसी तरीके से, तो जो आपको element मिलेगा that will be 0, and अगर एक single ten set है जिसमें सिर्फ एक element होगा 0, जब आप intersection निकालोगे, okay, और अगर आपको 0 element मिलता है तो हम ये बोलेंगे not equals to 5 है इसका intersection, and hence F has FIP या फिर finite intersection प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी इज कॉम्पैक्ट इफ एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स विद FIP हैज अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। कोई भी मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी गिवन है वो कैसा है, कॉम्पैक्ट होगा, इफ अगर वो कॉम्पैक्ट होगा देन जो कलेक्शन है उसकी क्लोज सबसेट की, मतलब एक्स के जो क्लोज सबसेट की जो कलेक्शन होगी जिसके पास FIP है उसका इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हम गिवन में क्या मानकर चलेंगे कि एक्स डी जो है वो कॉम्पैक्ट है, एफ लैम्डा जो है वो हमने इसकी क्लोज्ड सबसेट
जो क्लोज सबसेट है वो हमने मान लिया किसका, एक्स का, और उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एफ आई पी प्रॉपर्टी है। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा। मतलब उसके क्लोज सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो कैसा होगा, नॉन एम्प्टी। ओके, तो जो हमें पता है वो ये है कि वो जो क्लोज सेट हमने माना है उस कलेक्शन के पास एफ आई पी है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। सो हमें प्रूव करना है कि उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। सो लेट इफ पॉसिबल कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। हम ये मानकर चलते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू फाइव। ओके, इफ दिस इज इक्वल्स टू फाइव तो हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स माइनस फाइव, एक्स में से फाइव अगर आप हटाते भी हो तो भी क्या मिलेगा, सिर्फ एक्स ही मिल जाएगा। सो वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव, और यहाँ पे फाइव की वैल्यू जो है अगर हम ये सब्सिट्यूट कर दें, फाइव की जो वैल्यू है इंटरसेक्शन वेर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स एट एफ लैम्डा, इसकी जगह मैं ये सब्सिट्यूट करती हूँ तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में फाइव की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, देन बाय डी मॉर्गन्स लॉ इस इंटरसेक्शन की जगह पे यहाँ पर यूनियन हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस में एफ लैम्डा। नाउ नेक्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू ये राइट लेफ्ट हैंड साइड यही चल रहा था, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड माइनस एक्स माइनस दिस। ओके, नाउ एक्स माइनस एफ लैम्डा ये जो हम कलेक्शन मानकर चले थे, दिस इज अ ओपन कवर ऑफ एक्स, एफ लैम्डा हम कोई क्लोज्ड सेट मानकर चले थे, क्लोज सबसेट मानकर चले थे, और ये एक्स माइनस है। ठीक है, तो उसमें जो हमें मिलेगा दैट विल बी ओपन कवर ऑफ एक्स, सिंस ईच जो एफ आईज थे वो कैसे थे, क्लोज्ड थे, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, एक्स माइनस एफ लैम्डा है। ऑल्सो सिंस एक्स कैसा है, कॉम्पैक्ट है, इस केस में हमें ये गिवन है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि कॉम्पैक्ट है, और ये प्रूव कर देंगे कि उसमें उसके पास नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है। अब क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है तो उसके जितने भी ओपन कवर होंगे उसके पास फाइनाइट सब कवर भी होगा, यही कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन होती है कि अगर ओपन कवर है तो फाइनाइट सब कवर भी होगा। तो आप देखिए इफ एक्स इज इक्वल्स टू जो यूनियन है इसका बन रहा है तो ये क्या हुआ, ये ओपन कवर हो गया ना एक्स का, और अगर ये ओपन कवर है एक्स का तो फाइनाइट सब कवर भी मिलने चाहिए। तो इसका हमें फाइनाइट सब कवर बनाने के लिए सिंपल क्या किया, लैम्डा आई कर दिया, लैम्डा आई मतलब कि अब फाइनाइट सब कवर हो गया ना, तो आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक वेरी कर रही है। अगर आपको फाइनाइट बनाना है तो सिंपली आई इज इक्वल्स टू वन टू एन कर दो, लाइक के फाइनाइट है हमारे पास। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू अब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इसके ओपन कवर थे, ये इसके फाइनाइट सब कवर हो गए, क्यों, क्योंकि एक्स जो था वो कॉम्पैक्ट था। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू दिस बाय डी मॉर्गन्स लॉ, हमने इस ये यूनियन जो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस इस तरीके से लिख सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ पर हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, एक्स को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो इस तरीके से आ जाएगा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फाइव, और लेफ्ट हैंड साइड यही था। सो इफ इसका जो इंटरसेक्शन है फाइनाइट सब कवर का इंटरसेक्शन इफ फाइव के इक्वल आता है तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जो एफ लैम्डाज हमने माना था, ये जो फैमिली हमने मानी थी एफ लैम्डाज की, वेयर दिस लैम्डा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट, वो कैसा था, क्लोज सबसेट था जिसके पास एफ आई पी प्रॉपर्टी थी। इफ इसके पास एफ आई पी प्रॉपर्टी है मतलब कि जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इसका मतलब कि जो इंटरसेक्शन आपको मिलना चाहिए था दैट शुड बी नॉट इक्वल्स टू फाइव, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इफ ये कॉन्ट्रडिक्शन थे तो जो हम सपोज करके चले थे वो रॉन्ग है। सो हम सपोज करके क्या चले थे कि इसका जो इंटरसेक्शन है एफ लैम्डाज का दैट शुड बी इक्वल्स टू फाइव, तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया इसका मतलब ये जो सपोजिशन था वो रॉन्ग था, इसका मतलब कि जो एफ लैम्डा है इसका जो इंटरसेक्शन है दैट इज इक्वल्स टू फाइव, और यही हमें प्रूफ करना था कि नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्स पार्ट में अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो कलेक्शन है क्लोज सबसेट की ऑफ एक्स विद एफ आई पी हैज अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, दैट मीन्स जो क्लोज सबसेट का जो कलेक्शन था उसका जो इंटरसेक्शन है दैट इज इक्वल्स टू फाइव, नॉट इक्वल्स टू फाइव की नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए। और इस केस में इसके कन्वर्स पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि एक्स डी जो है वो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है। तो हम ये मानकर चलते हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे इसको, तो लेट इफ पॉसिबल एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, अगर एक्स कॉम्पैक्ट नहीं है तो अगर इसका जो एक्स का कोई ओपन कवर होगा, ओपन कवर हमने ले लिया जी लैम्डा वेयर दिस लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये इसका ओपन कवर है, बट अगर ये कॉम्पैक्ट नहीं है तो उसका इसके ओपन कवर का हमें कोई फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा, यही डेफिनेशन होती है। अगर फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा, फाइनाइट सब कवर इसका बनाना है तो सिंपल आई इज इक्वल्स टू वन टू एन कर दो, मतलब कि फाइनाइट कर दिया अब हमने। ठीक है, अगर फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा तो एक्स को आप इसके फाइनाइट सब कवर के यूनियन में नहीं लिख सकते। इफ नहीं लिख सकते, इसको इधर सेंड करोगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स माइनस दिस इज नॉट इक्वल्स टू फाइव,
डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू फाइव। यहाँ पर ये जो फैमिली हमें मिली है x माइनस दिस ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ x हैव अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू फाइव, इसका मतलब कि इसमें जो हमें प्रॉपर्टी मिल रही है वो क्या फाइनाइट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है इसके पास। देन बाय हाइपोथेसिस दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ पर अगर इसके फाइनाइट सब कवर की जो इंटरसेक्शन है वही अगर नॉट इक्वल्स टू फाइव है, तो अगर यहाँ पर मैंने फाइनाइट हटा दिया सिंपल हमें लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट लिख रखा है, यहाँ पर फाइनाइट के लिए लिखा था यहाँ पर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट लिख रखा है। फाइनाइट में अगर नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन मिल रहा है तो अगर पूरे लैम्डा की बात करें पूरे इंडेक्स सेट में जो लैम्डा हम लेंगे तो उसका भी जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो नॉट इक्वल्स टू फाइव मिलेगा। बाय डी मॉर्गन्स लॉ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एंड एक्स माइनस दिस यूनियन ऑफ द ओपन कवर्स इज नॉट इक्वल्स टू फाइव। ये जो ओपन कवर था ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब अगर इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू दिस विच इज़ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने एक्स जो कॉम्पैक्ट जब माना था तो हमने जी लैम्डा तो उसके ओपन कवर माने थे, तो ओपन कवर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्स इज इक्वल्स टू दिस आना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू दिस विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये तो इसके ओपन कवर हैं, तो सिंस दिस इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स हैंस जो कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू हमने माना था कि एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, तो हमारी सपोजिशन जो थी वो रॉन्ग थी, हैंस एक्स डी मस्ट बी अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। सो आई होप ये थ्योरम जो है वो क्लियर है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ एप्साइलन नेट एंड टोटल बाउंडेडनेस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एंड थैंक यू।